जय श्री राम दोस्तों, मैं संदीप हमारी टीम की तरफ से आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर जो 8 जनवरी 2023 को हुआ था, उस पेपर का सेक्शन सी एंड सेक्शन डी दोनों हल करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बजरंग सर और श्रीमती सरिता मैम का, जिन्होंने क्रमशः सेक्शन सी और सेक्शन डी को हल किया। और मैं अपने व्यूवर्स से भी रिक्वेस्ट प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो हमारे चैनल द्वारा अपलोड की गई वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और हो सके तो कम से कम एक बार अपने स्टेटस पे भी ज़रूर लगाएं, ठीक है। और यदि उन्हें हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ये कहें कि वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपका प्यार ही हमारे लिए सपोर्ट होगा, ठीक है। और अब हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सेक्शन सी है जनरल साइंस का, यह जनरल साइंस का सेक्शन सी है, यह श्री बजरंग सर ने सोल्व किया है, ठीक है। चूज द क्वेश्चन नंबर 76 है, चूज द फेसिबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन एक, कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक ग्रेनुअल्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 77 है, प्लास्टिक कंटेनर्स और बॉक्सेस आर मोस्टली प्रिफेर्ड टू स्टोर फूड आइटम बिकॉज दीज आर ऑप्शन एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑप्शन दो नॉन रिएक्टिव, ऑप्शन तीन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन चार मोर एक्सपेंसिव। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड, नॉन रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, एक काम करते हैं हम, इनके है ना जो आंसर आंसर है ना वही आपको बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, इफ करंट इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन एक, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। क्वेश्चन नंबर 79 है, इसरो स्टैंड्स फॉर, यानी इसरो की है वो आपको ये बताना है कि फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसरो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑप्शन थर्ड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट ए वाटर पोल्यूटेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। तो इसमें आएगा ऑप्शन सेकंड, एलगेज, ठीक है, ये वाटर पोल्यूटेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 है, विच ऑफ दीज गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आएगा ऑप्शन एक, CO2, मीथेन एंड वापर वाटर वेपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है, द ब्रेड और इडली डफ बिकेम्स फुल फ्राई बिकॉज ऑफ ग्रोथ। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड, ग्रोथ ऑफ यस्ट सेल। क्वेश्चन नंबर 83 है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ए बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीग्रेटेड स्पेसेस फ्रॉम द फ्लोइंग। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन एक, रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशंस, इरीग्रेशन का आपका ट्रेडिशनल मेथड बताना है। तो आपको दिए गए ऑप्शन ए चैन पंप, ऑप्शन बी लीवर सिस्टम, ऑप्शन सी स्प्रिंकल कलर सिस्टम, ऑप्शन डी ड्रिप सिस्टम। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सेकंड, बोथ ए एंड बी, चैन पंप और लीवर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, नेम ए नेशनल पार्क सिचुएटेड इन
पचमढ़ी बिसोफर रिजर्व फ्रॉम द फ्लोविंग। तो इसका आएगा ऑप्शन एक सतपुरा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुश हैज जस्ट इंटर्ड हिज एडोल्स सिंस ईयर्स। ही विशेज टू नो वट शुड बी इटन टू रिमेन हेल्थी। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ फूड शुड बी कंज्यूम टू रिमेन फिट एंड हेल्थी। तो इसका आएगा ऑप्शन एक मिल्क राइस दाल लीफी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट पुबर्टी विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ओवरेसिस। तो इसका आएगा ऑप्शन एक इस्ट्रोग्रेन इस्ट्रोजन सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाफोर फॉर्मोसिस इन फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाय इन दिस हार्मोन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैडपोल डेवलप्स इंटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। तो इसका आंसर आएगा मेटाफोर्सिस। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन ईयर्स आर सेंसरी ऑर्गन्स दैट हेल्प्स टू हियर साउंड। इट आउटर पोर्शंस कैन बी सीन। द रेस्ट ऑफ द डेलिकेट एयर इज बर्ड डीप इनसाइड द स्कल। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस फ्रॉम द आउटर ईयर टू इनर ईयर। आपको बताना है आउटर ईयर से इनर ईयर के बीच में इनकी करेक्ट सिक्वेंस बतानी है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन एक। ठीक है, तो करेक्ट सिक्वेंस बनेगी सी यानी जो पीना वो पहले आएगा, फिर आएगा ईयर ट्यूब डी, फिर आएगा ईयर ड्रम बी, फिर आएगा इनर ईयर, उसके बाद आएगा ऑडिटरी नर्व। ठीक है, सी डी बी ई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, मैच लिस्ट वन विद लास्ट सेकंड। आपको मैच लिस्ट करनी है फर्स्ट से सेकंड के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ब्रेल। ब्रेल क्या होता है, एक लिपि होती है। ठीक है, रिसर्च फॉर विजुअली ब्लाइंड चैलेंज्ड पर्सन यानी जो पर्सन अंधे होते हैं। ठीक है, वो पढ़ते कैसे, उनके लिए जिस लिपि का यूज किया जाता है उसे ब्रेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो अक्षर होते हैं ना वो खुदरे होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा ए, ए का थर्ड है। सेकंड है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होता है, कैलिडोस्कोप ब्यूटीफुल पैटर्न आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिएक्शन रिफ्लेक्शन सॉरी। तो इसका ऑप्शन आएगा फोर। ठीक है, बी का फोर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्प्रेशंस। डिस्प्रेशंस क्या होता है, क्या होता है, स्प्लैटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू सेवन कलर्स। जो सफ़ेद प्रकाश को सात भागों में बांट देता है उसे डिस्प्रेशंस बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन एक। तो सी का आएगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट है डी लेटरल इन्वर्जन्स। लेटरल इन्वर्जन्स क्या होता है, लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेयर राइट एंड राइट अपेयर लेफ्ट। यानी कि जब आप मिरर में खड़े होते हैं तो आपका जो लेफ्ट हिस्सा होता है वो राइट दिखाई देता है और राइट होता है वो लेफ्ट दिखाई देता है। इसे हम लेटरल इन्वर्जन्स बोलते हैं। तो ये सभी के सभी जो ऑप्शन है आपके थर्ड में आते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन लाइटिंग। आपको रिजल्ट लाइटिंग का जो रिजल्ट होता है ना उसका एक करेक्ट सीक्वेंस बनाना है। ए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकेम लार्ज। बी एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज नियर द लोअर एज ऑफ क्लाउड। सी एयर बिकेम्स कंडक्टर ऑफ चार्ज। डी अक्यूमुलेशंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द अपर एज ऑफ क्लाउड। ई नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड कॉल्ड एज लाइटिंग।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डी वाला ऑप्शन है वो पहले आएगा, ठीक है। और जो बी का है वो सेकंड नंबर पे आएगा, ए है वो थर्ड पे आएगा, ठीक है, और सी है वो आपका फोर्थ पे आएगा, और ई है वो आपका फिफ्थ पे आएगा। क्लियर है? तो ये सारे के सारे ऑप्शंस किस में आ रहे हैं आपके, ऑप्शन थर्ड में आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट। जो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल की होती है वो किस में एक्सप्रेस की जाती है, वो की जाती है ऑप्शन थर्ड, किलो जूल पर किलोग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर ऑन ए मेटल ऑब्जेक्ट, व्हाट विल यू चूज एज कैथोड एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके लिए आपका आएगा ऑप्शन थर्ड, कैथोड आपका मेटल ऑब्जेक्ट होगा, एनोड आपका सिल्वर बार होगी, इलेक्ट्रोलाइट आपका सिल्वर सॉल्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राशि वाज अनेबल टू होल्ड द ग्रेसी टम्बलर ऑफ मिल्क इन हर हैंड, इट वुड बी बिकॉज। ये कह रहा है कि भाई जो राशि है ना उसके जो हाथों पे ग्रीस लगा हुआ है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, दूध वो पकड़ना चाह रही है, बट वो दूध उसके साथ से फिसल रहा है, उसका रीजन क्या होगा। तो उसका रीजन ये होगा ग्रीसिंग, ऑप्शन थर्ड होगा इसका रीजन, ग्रीसिंग हैज़ मेड द सरफेस स्मूथ। ग्रीसिंग के कारण आपके जो हाथों की जो सरफेस होती है वो स्मूथ हो जाती है, तो कोई भी चीज़ आप पकड़ोगे ना वो फिसलने स्टार्ट हो जाती है, तो रिड्यूस द फ्रिक्शन। क्लियर है? ग्रीसिंग हैज़ मेड द सरफेस स्मूथ आर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन इज ए मशीन, एक कंबाइन मशीन होती है, आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फ्लोइंग फॉर विच इट इज़ यूज, वो किस काम आती है, ठीक है। तो वो आएगी आपका ऑप्शन एक, फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, वो हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर सीएनजी, सीएनजी के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो वो आएगी आपके ऑप्शन नंबर सेकंड, इट इज़ मोर पोल्यूटिंग, ठीक है, सीएनजी गैस से है ना पोल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, अमीश हैज़ टू डेमोन्स्ट्रेट ए साइंस एक्टिविटीज ऑन इग्निशन टेम्परेचर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट गिवन टू हिम लाइक पेपर शीट कैंडल मैच बॉक्स एंड वाटर, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फॉर द एक्टिविटी टू वर्क विल बी। ठीक है, आपको एक करेक्ट सिक्वेंस बताना है एक्टिविटी की, भाई वो एक एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, उसमें उसके पास पेपर शीट है, कैंडल है यानी मोमबत्ती है, मैच बॉक्स माचिस है, और वाटर पानी है। तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ए लाइट द कैंडल, बी पोर द वाटर इन वन ऑफ द कप्स, सी कंटिन्यू हीटिंग बोथ द कप, डी मेक टू पेपर कप्स बाय फोल्डिंग ए शीट ऑफ पेपर, ई हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विद ए कैंडल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी आएगा भाई, मेक टू पेपर कप्स बाय फोल्डिंग ए शीट ऑफ वाटर, शीट ऑफ पेपर, ठीक है। उसके बाद आएगा बी पोर द वाटर इन वन ऑफ द कप्स, भाई जो कप हमने बनाए थे पेपर शीट से उसमें से एक में हम पानी डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा ए लाइट द कैंडल, भाई हम फिर उनके नीचे हम कैंडल जलाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद आएगा सी, सॉरी ई हीट बोथ द कप सेपरेटली विद ए कैंडल, अब दोनों दोनों को जो कप है ना उनके नीचे हम कैंडल जलाएंगे, लाइट करेंगे, और दोनों कैंडल को हम सेपरेटली हीट करेंगे, ठीक है। ई के बाद आपका आएगा सी कंटिन्यू हीटिंग बोथ द कप, और फिर हम कप को कंटिन्यू हीटिंग करेंगे। तो ये सब के सब आपके जो आते हैं ऑप्शन थर्ड में आते हैं, डी बी ए ई सी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्स लिस्ट फर्स्ट है विद लिस्ट सेकंड, आपको फर्स्ट लिस्ट दी गई है और सेकंड लिस्ट के साथ उसका उसको मैच करना है। अब फर्स्ट लिस्ट में क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स दिया गया और उसमें उसका फंक्शन बताया गया सेकंड में लिस्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन ए न्यूक्लियसिस, न्यूक्लियसिस क्या करता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन का क्या काम क्या था, प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन काम करते हैं, ऑप्शन फोर, ठीक है। अब ये सारे के सारे ऑप्शन किस में आ रहे हैं,
ऑप्शन एक में आ रहे हैं। तो 100 वाला जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन एक, ठीक है। अब हम सेक्शन डी का स्टार्ट करेंगे, सोशल स्टडीज का, एसएस का। यह सरिता मैम ने सोल्व किया है, ठीक है। तो इसमें भी क्या बता रखा है, मैथ लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को आपको मैच करना है। और उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उस ऑप्शन में आपको जो एग्जैक्ट ऑप्शन है जो एक्यूरेट है उसके आपको साइन करना है, ठीक है। तो पहला क्या गया है, इंटेंसिव सब्सटेंस, ऑप्शन ए। ये जो स्टेटमेंट कहती है इंटेंसिव सब्सटेंस लिस्ट वन में, अब वो किससे किससे बिलोंग करेगी आपको, वो बिलोंग करेगी लिस्ट सेकंड के थर्ड से, प्रीवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन बी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑप्शन बी है, ये आपका करेगा ऑप्शन एक, एक के साथ स्लैश एंड बर्न के साथ में, ठीक है। उसके बाद आता है नोमैडिक हर्डिंग, सी। अब सी आपका किसके साथ करेगा, फोर के साथ, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल। उसके बाद आया कमर्शियल फार्मिंग, ऑप्शन डी। अब डी किसके साथ करेगा, सेकंड के साथ, अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज, ठीक है। और ये सभी के सभी ऑप्शन आपके आ रहे हैं ऑप्शन सेकंड में, एक थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ, डी सेकंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिक सेक्टर कंपनी। आपको पब्लिक सेक्टर कंपनी बतानी कि भी इनमें से कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड आएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो आपकी क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि है ना भाई किस कौन सी जो टर्म्स पहले हुई है, मैंने कौन सा वंस पहले आया है। ऑप्शन एक में देखिए तुगलक डेंसिटी है, ऑप्शन बी में अर्ली टर्किश है, ऑप्शन सी में खिलजी डेंसिटी है, ऑप्शन डी में राजपूत डेंसिटी है, ऑप्शन ई में लोधी डेंसिटी है, ठीक है। तो जो सबसे पहले है ना वो राजपूत डेंसिटी आती है आपकी, ऑप्शन डी, जो डी आएगा वो पहले आएगा। अब हम चेक करेंगे तो जो ऑप्शन एक और ऑप्शन दो है उन दोनों में डी डी पहले दिखा रखा है, बाकी के में सी और बी दिखा रखा है। तो सी और बी हम कट कर देंगे, यानी थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो हम कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद राजपूत डेंसिटी है, उसके बाद कौन सा आएगा, राजपूत डेंसिटी के बाद आपका आएगा अर्ली टर्किश, ठीक है। यह 1193 में आएगा, ठीक है, अर्ली टर्किश हमारे 1193 में आए थे, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 1290, यानी कि खिलजी डेंसिटी, खिलजी डेंसिटी हमारे किस में आए थे, 1290 में आए थे सी, यानी कि पहले डी आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा, ठीक है। डी बी सी, 1290 के बाद आपका आएगा तुगलक डेंसिटी ए, 1320 में, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका लोडी डेंसिटी 1451 में, यानी कि डी बी सी ए ई। अब डी बी सी ए ई ये आपका किस में आता है, ऑप्शन सेकंड में आपका आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है भाई मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। आपको लिस्ट वन दे रखी है और लिस्ट टू के साथ उसको मैच करना है, ठीक है। तो खिलाफत एग्रीटेशंस है, अब खिलाफत एग्रीटेशंस का जो है ऑप्शन ए है वो किस में है? उसमें उसका जो लिस्ट सेकंड में किस में हम उसको मेल करेंगे, मैच करेंगे शौकत अली के साथ में, यानी कि ऑप्शन थर्ड में, ए का थर्ड होगा, ठीक है। रोवल एक्ट, रोल्ट एक्ट बोलते जो होता है, बी ऑप्शन बी। अब ये किसके साथ होएगा, मोहम्मद अली जिन्ना एक के साथ में, थर्ड पे साल्ट मार्च है महात्मा गांधी, और पार्टीशंस ऑफ बंगाल डी है वो आपका आएगा वाइसराय कर्जन, ठीक है। तो पहले क्या आएगा आपका, ए का थर्ड आएगा, और फिर थर्ड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फोर्थ सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ये आपके आते हैं ऑप्शन दो में, ऑप्शन सेकंड में। ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है, डी का सेकंड है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो
स्टेटमेंट पढ़ते पहले लिस्ट वन की, राइट ऑफ ए राइट टू इक्वलिटी, बी राइट टू फ्रीडम, सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस। लिस्ट सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक प्रोहिबिट्स वुमन ट्रैफिकिंग, सेकंड इक्वल बिफोर लॉ, थर्ड द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, फोर्थ द राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन्स ऑफ देयर चॉइस। तो ए फर्स्ट पे जो ए है राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, वो जो लिस्ट सेकंड में होगा वो होगा सेकंड इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है, ए का सेकंड होगा, बी का थर्ड होएगा, सी का आपका फोर्थ होएगा और डी का आपका फर्स्ट होएगा। और ये सारी की सारी सीक्वेंस आपकी आती है क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्रॉप विच इज़ नॉट क्लासिफाइड एज ए प्लांटेशन क्रॉप। तो प्लांटेशन क्रॉप में कौन कौन सी फसल नहीं आती है, तो ऑप्शन एक आएगा राइस, टी सुगर केन और कैस्क्यू, ये सारी की सारी प्लांटेशन क्रॉप है, तो ऑप्शन एक है राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। जो ब्रह्मो समाज है उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आएगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ पेटेंट। पेटेंट का आपको करेक्ट मीनिंग बताना है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन फोर, इट मींस द एक्सक्लूसिव राइट ओवर द एनी आइडिया और इन्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एम आई, ठीक है, हु एम आई, आई एम फाउंडर ऑफ शूर डेंसिटी। तो शूर डेंसिटी के फाउंडर कौन थे, शेरशाह सूरी। तो सेकंड क्वेश्चन होएगा, सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का जो फंड्स सोर्स ऑफ फंड्स होता है, ठीक है, वो कहाँ से आता है, तो इसका आएगा ऑप्शन चार, टैक्स ऑन हाउस हाउसेज मार्केट पैलेसेस एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द लैंड फॉर्म विच इज नॉट फॉर्म बाय द रिवर। रिवर के द्वारा इनमें से कौन सा जो लैंड फॉर्म है, ठीक है, बना नहीं है, ठीक है, नदी के द्वारा, तो इसका आएगा ऑप्शन फोर, लोइसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आयरन मेड फ्रॉम आयरन और इज द प्रोडक्ट ऑफ टेस्ट, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड टू हुम द ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर्ड देयर पावर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर ए मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडिया इंडियन अफेयर्स, ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन थर्ड, 1858, गवर्नर जनरल विद द टाइटल ऑफ वाइसराय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ इंक्लूडिंग द राइट टू हेल्थ, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन फोर, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटामॉर्फाई फ्रॉम द फ्लोइंग, ठीक है, तो इसमें आएगा ऑप्शन थर्ड, चेंज ऑफ फॉर्म। नेक्स्ट है आपका, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को आपको मैच करना है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते लिस्ट वन की पहले, ए द ब्रह्मो समाज, बी द रामकृष्णा मिशन, सी गुलामगिरी, डी आर्य समाज। लिस्ट सेकंड में है ज्योति राव फुले, सेकंड है स्वामी दयानंद, थर्ड है राजा राम मोहन राय, फोर्थ है स्वामी विवेकानंद। देखिए, जब ब्रह्मो समाज है उसकी स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने उनकी की थी, तो ए का क्या आएगा, थर्ड आएगा, ए का क्या आएगा, थर्ड आएगा, ठीक है। द रामकृष्ण मिशन यानी बी है, उसका क्या आएगा, फोर, स्वामी विवेकानंद, ठीक है।
सी गुलामगिरी, यह की थी ज्योतिरा फुले, एक ऑप्शन ए। इसमें आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। ठीक है, तो आपका बी का 4 है, ठीक है, और सी का 1 है, डी आपका सेकंड होएगा और ये आपका थर्ड होएगा, और ये सारे के सारे जो आंसर आपके हैं ऑप्शन एक में। ठीक है, तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट डेफिनेशंस ऑफ बर्थ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। आपको बर्थ रेट की ना एक डेफिनेशन है जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बतानी है। तो थर्ड है द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेबरहुड मार्केट आर द वन विच डैश, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी आइटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज इज, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन एक रिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 120, द खिलाफत मूवमेंट वॉज लीड बाय हुम फ्रॉम द फ्लोइंग, तो खिलाफत आंदोलन मूवमेंट है वो किसने लीड किया था, वो किया गया था मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने, तो इसका आएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेद समाज इस्टेब्लिश इन मद्रास इन 1864, ठीक है, वर्कड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केस, भाई किस कारण से वेद समाज की स्थापना की गई थी मद्रास में 1864 में। ठीक है, तो यह की गई थी ऑप्शन सेकंड, टू अबोलिश केस कास्ट डेस्टिनेशंस फॉर एंड फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ वुमेन, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय, ऑप्शन सेकंड बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज विच इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटरनेट, इंटरनेट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये आएगा ऑप्शन थर्ड, अलाउज मूविंग फिजिकली फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द रीजन दैट इज नोन एज ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका आएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है, मेडिटेशन ट्रेन रीजन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, सैंडस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रॉक, तो सैंडस्टोन है वो किसका एग्जाम्पल है, वो ऑप्शन थर्ड सेडिमेंट्री रॉक्स का। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर लाइक जरूर शेयर करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। यदि आपको हमारे हमारे किसी भी टीचर से कुछ पूछना है तो हमें व्हाट्सएप करें 9255924111 पर, और हमें आप हमें मेल भी कर सकते हैं SSANDEEP10786@gmail.com पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल सनराइजर्स एजुकेशन विला।